आप जो ही रहे अच्छा स्टार न्यूज गुजराती लाइव। अच्छा हमें गुरु जी क्या 2024 का चुनाव धर्म और अधर्म के बीच का है? हाँ आप बनने न बढ़ते थे। अच्छा मोदी फरी से धर्म को नहीं साथ है हमारी साथ है मोदी साथ है अधर्म तुम समझी जाओ। आप यहाँ आए उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ जी से मुलाकात हुई है, क्या मथुरा को लेकर कुछ चर्चा? सब खुद चर्चा हो रही, काशी मथुरा दोनों इतनी तेजी से आएगा वो 2024-25 तक आएगा। गुजरात आप पधारे हैं, राम कथा क्या कार्यक्रम? गुजरात मेरी भूमि है, राजकोट मेरा आश्रम भी है, गुजरात बहुत गमे थे, गुजरात बहुत गमे से, गुजराती बहुत भावे, गुजराती भोजन बहुत भावे। क्या 22 जनवरी दिवाली के रूप में मनाई जाएगी? दिवाली के रूप में ही मनाई जाएगी। आयो पर संत और स्वामीनारायण बीएपीएस संस्था के जो संत है और वीएचपी की मांग है कि 22 जनवरी के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जाए। नमस्कार दर्शकों, तो हूँ मनीष प्रजापति, आप जो स्टार न्यूज गुजराती लाइव पर आज बात करशु अमदावादमां घोड़ाश्वरमां आवेलू स्मृति मंदिर में मैदान में बहु सरस मजानु रामकथानु आयोजन करवामां आव्युं छे। अपना जगतगुरु श्री रामाभद्राचार्य जी द्वारा बहुत सरस मजानु रामकथानु आयोजन करवामां आव्युं छे। अने आप जोई शको छो कि लोको जे भजन में जे एमना सूर में जे रामकथानो जे आनंद लई रह्या छे ए आप जोई शको छो भक्तो द्वारा पण। अने आपना जे अहियागाड़ी जे आपना मुख्य यजमान श्री रमाकांतजी चतुर्वेदीजी द्वारा आ सरस मजानुं आयोजन करवामां आव्युं छे, वधु माहिती आपणे एना भक्तो जोडेथी जाणीशुं। नमस्कार सर, आपनो परिचय आपजो ने। जी, मेरा नाम सागर मिश्रा है। ये रामकथा का आयोजन दिनांक 2 जनवरी 2024 से रामकथा का आयोजन की शुरुआत हुई है। रामकथा 2 तारीख से दिनांक 10-1-2024 तक मतलब रामकथा चलेगी। रामकथा का समय दोपहर 3 बजे से शाम को 7 बजे तक का इसका समय रखा गया है। इसके मुख्य यजमान श्री रमाकांत चतुर्वेदी जी हैं, रामकथा के वाचक श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा के मुख द्वारा रामकथा सुनाई जा रही है, जिसमें हजारों लोगों की संख्याओं में भक्तजन पधारते हैं। 3 बजे का इसका समय है। रामकथा 9 दिन की रामकथा बिठाई गई है। भक्तजन सुबह से ही भक्तजन की भीड़ आना चालू हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। आनंद द्वारा रामकथा सुनी जा रही है भक्त द्वारा। और आश्रय कितनी पब्लिक आपको दिख रही है मेरे को आप बताइए? लगभग 5-10 हज़ार पब्लिक डेली। अभी आज शुरुआत 2 तारीख से हुई, आज 3रा दिन था रामकथा का, जिसमें भगवान राम का आज जन्म के बारे में बताया गया था। अभी पब्लिक तकरीबन नहीं तो भी 8-10 हज़ार पब्लिक अभी हाल फिलहाल में आ रही है। दिन प्रतिदिन पब्लिकें इतनी बढ़ती जा रही है, भक्तजन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि गेट तक मतलब भक्तजन की संख्याएँ पहुँचती जा रही है। श्री राघव सेवा समिति द्वारा इसका पूरा हैंडलिंग किया जा रहा है और इसकी प्रोसेस पूरी प्रक्रिया जो है पूरा तैयारी लास्ट 2 महीने से इसकी चली जा रही है। छोटा सा फंक्शन भी करते हैं तो भी अपने को 10-15 दिन का टाइम लगता है, ये तो बहुत बड़ा राम कथा का आयोजन किया गया, कम से कम कितना टाइम लगा होगा सर ये सब करने में? 2-3 महीने से इसकी तैयारी चालू है, जिसमें श्री राघव सेवा समिति द्वारा का पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी राघव सेवा समिति के सभी कार्यकर इसमें अपना जी जान से दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। आज अपने लोक लाड़ी सीएम साहब श्री भूपेंद्र पटेल जी आज यहाँ आकर उन्होंने भी ये कथा का आनंद लिया और श्री रामाभद्राचार्य जी महाराज के जगतगुरु के आशीर्वाद लेके उन्होंने भी आशीर्वाद प्राप्त किया है। और आप क्या बताना चाहेंगे? श्री भूपेंद्र गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह पटेल जी आज हाजिर रहे थे, जिन्होंने श्री रामभद्रा
रामभद्राचार्य जी गुरु जी के आशीर्वाद ग्रहण किए, उनकी कथा का लाभ उठाया है और आरती का भी मतलब उन्होंने उनको अवसर मिला। बहुत ही अच्छी बात है। और आप देख सकते हो कि इतने सारे कम से कम 10 से 12 हजार भक्त जन यहाँ पे बैठे हुए हैं और कथा का, राम कथा का बहुत सारा आनंद ले रहे हैं, मग्न हो गए सब इतने कि आप देख सकते हो। देखिए स्टार न्यूज गुजराती लाइव पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दर्शक, मैं हूँ छू मनीष प्रजापति, आप जुड़े स्टार न्यूज गुजराती लाइव पर। आज बात करूँ जगतगुरु आपड़ा रामभद्र आचार्य जी महाराज जे अमदावादमां एरपोर्ट ऊपर आवी चूक्या छे अने एमना स्वागत माटे लोको हजारों की संख्या में भीड़ उमटी पड़ी छे। एमना आशीर्वाद माटे अहींया नाना भूलका नाना बाळको पण आवे, आपणे एमनी पासे पण जाणीशुं। बेटा केवुं लागे छे तमने अहींया एरपोर्ट ऊपर आवीने? मने सारुं लागे छे अने आपणे गुरुजीना स्वागतमां आवीए छे। तमे गुरुजीना आशीर्वाद लेवा माटे आव्या छो? हा। शुं छे नाम आपणुं? आयुष। आशीर्वाद लेवा आव्या छे अमे लोको? અમે લોકો ગુરુજીનો આશીર્વાદ લેવા અહીંયા આવ્યા છે। મારું નામ તન્મય પાઠક છે। બહુ સારી વાત છે, જોતા રહો આગળ સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ।